वेलकम टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स, आर टूडेज टॉपिक इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। फ्रेंड्स, अर्लियर हमने जो है कितने क्वेश्चन किए थे, 30। सो आज जो है 30 क्वेश्चंस और करेंगे। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ फिश फाउंड इन J&K। हेयर ऑप्शन ए इज मिरर कार्प, बी इज रेनबो ट्राउट, सी इज ब्राउन ट्राउट। हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी की सारी जो वैरायटीज हैं फिश की, कहाँ पे मिलती हैं, ये मिलती हैं J&K में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। कॉमन करेट, हिमालयन पिट, बाइपर, क्लिफ रेसर एट्सेट्रा आर द डैश फाउंड इन कश्मीर। हेयर आंसर इज पॉइजनस स्नेक्स, ये सारे के सारे जो है जहरीले सांप हैं जो कहाँ पे मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं। कॉमन करेट, हिमालयन पिट, बाइपर, क्लिफ रेसर एट्सेट्रा आर द पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन डैश, आंसर इज जम्मू। मांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल पार्क इन जम्मू आल्सो नोन एज 10 विलेजेस इज डैश, आंसर इज डच्ची गांव। द नेशनल पार्क इन J&K आल्सो नोन एज 10 विलेजेस इज डैश, आंसर इज डच्ची गांव। द नेशनल पार्क इन J&K आल्सो नोन एज 10 विलेजेस इज डैश, आंसर इज डच्ची गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ओब्लिक आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर डिवीजन, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज बांदीपुरा, बी इज कुलगाम, सी इज सोफिया। हेयर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर डिवीजन, तो यहाँ पे बांदीपुरा, कुलगाम और सोफिया जो है तीनों के तीनों न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन शैल हैव द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जो ब्रिज बनेगा। फ्रेंड्स, द जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन शैल हैव द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट डैश, आंसर इज रियासी। ठीक है, कौन सी जगह के ऊपर, रियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन J&K वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन डैश, आंसर इज जुलाई 2006। द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन J&K वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट रामबन इज सिचुएटेड इन द राइट बैंक ऑफ डैश, आंसर इज चुनाव। द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट रामबन इज सिचुएटेड इन द राइट बैंक ऑफ डैश, आंसर इज चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ शोर ऑफ डैश, आंसर इज बुल्लर लेक। द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ शोर ऑफ डैश, आंसर इज बुल्लर लेक। फ्रेंड्स, हियर द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन J&K वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन डैश, आंसर इज जुलाई 2006। यहाँ पे मेरे ख्याल से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए जो कि जुलाई 2006 में बनाई गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ शोर ऑफ डैश, आंसर इज बुल्लर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर, हेयर आंसर इज कुलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज मैक्सिमम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, आंसर इज लद्दाख। द सेक्स रेशियो ऑफ द गिवन डिस्ट्रिक्ट इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई दैट डिस्ट्रिक्ट, आंसर इज कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन descending order of their population according to census 2011, here answer is BACD। यहाँ पर क्या करना था, arrange करना था districts को descending order में of their population according to census 2011। 2011 के जो census हुए थे उसके अनुसार जो है population के हिसाब से इनको जो है arrange करना था descending order में। so answer is BACD, यानी कि पहले आएगा जम्मू, फिर आएगा श्रीनगर, फिर आएगा बारामूला, उसके बाद में आएगा अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट फीमेल पॉपुलेशन इन J&K अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, आंसर इज ले।
Next question is, which district regarded the highest decadal growth in percentage according to census 2011? Here answer is Gandharbal. Which district regarded the highest decadal growth in percentage according to census 2011? Answer is Gandharbal. Next question is, which districts of J&K has the least population density according to census 2011? Here answer is Leh. Next question is, the sex ratio of J&K is less than the national ratio by 57. The sex ratio of J&K is less than the national ratio by 57. Next question is, Pakistan and Afghanistan lie dash of Kashmir. Here answer is northwest of Kashmir. Pakistan and Afghanistan lie northwest of Kashmir. Next question is, area under the occupation of Pakistan is square kilometer is dash. Answer is 78,114 square kilometer. Next question is question number 20. Area under the direct occupation of China is 37,555 square kilometer. Next question is, from north to south, the length of states of J&K is 640 kilometer. From north to south, the length of states of J&K is 640 kilometer. Next question is, the Neel Mata Purana record the names of the dash number of Nags worshipped in Kashmir. Here answer is 527. The Nilmata Purana records the names of the 527 number of Nagas worshipped in Kashmir. Next question is, which of the following is the only site in the northern India where tomb covered with heavy stones were located? Here answer is Burjahom. Next question is, Raj Tarangani was translated into English in dash. Answer is 1900 AD. Raj Tarangani was translated into English in 1900 AD. Next question is, the first king in the history of Kashmir whose name is mentioned by Kalhana is dash. Answer is Gonanda. The first king in the history of Kashmir whose name is mentioned by Kalhana is Gonanda. Next one. Question is, which of the following king built the historic sun temple at Mutton? Here answer is Raja Ramde. Which of the following king built the historic sun temple at Mutton? Answer is Raja Ramde. Next question is, which of the following king built the city of Lalura? Lolus dash. Answer is Laba. Which of the following king built the city of Lalura? Lolus dash. Answer is Laba. Friends, I have not written the another options here. I have written only answer. So answer is Laba. Next question is, who founded the city of Srinagar? Answer is Prabar Sena. Okay, who founded the city of Srinagar? Prabar Sena. Next question is, the first woman sovereign of Kashmir who ruled for nearly 15 years was Jashobati. The first woman sovereign of Kashmir who ruled for nearly 15 years was Jashobati. Next question is, Buddhism was the first preached in Kashmir. Buddhism was first preached in Kashmir by dash. Answer is Majantika. Buddhism was first preached in Kashmir by Majantika. So friends, today we have done 30 most important questions. Thanks for watching this video. प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल के आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।